से आ रही हूँ 3 दिन बोलकर 5 दिन बाद। 1 दिन पहले आई हूँ, इस बार 6 दिन बाद आती थी लेकिन 1 दिन पहले आई हूँ। सॉरी नहीं बोलूंगी क्योंकि गलती इसकी है, मेरी गलती। ये बंदी हो गया, अब चालू भी नहीं होता है। पहले तो उल्टा उल्टा कैलकुलेट करके देता था, अभी चालू भी नहीं होता है। प्रूफ दे दूँ? प्रूफ चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं एक रंजनी की बच्ची, दो टकैती, कभी झूठी नहीं बोलती है। मैं अभी दिखाती हूँ तुम लोगों को, कैलकुलेट करके अभी दिखाती हूँ प्रूफ के साथ। तो ये रहा कैलकुलेटर, 2 + 2 मेरे को 5 दिखाता है हर बार। तुम लोगों को मैं दिखा देती हूँ, 2 + 2 = माँ बाप का तू हट ना दुखा, हट ना दुखा। अपनी हेवन को खुदा के लिए तू हेल ना बना। अपने मोम डैड का तू हट ना दुखा, हट ना दुखा। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं कभी कभार झूठ बोलती हूँ, वो मैं भी मानती हूँ। कभी कभी मैं झूठ बोलती हूँ। कैलकुलेटर सच में मेरे को 2 + 2 = 5 दिखाता था, आज पता नहीं 4 क्यों दिखा रहा है। ये मेरी इज्जत दबा दी। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करती हूँ। पकड़ी तो मैं गई हूँ, अब क्या कर सकते हैं। हाँ पकड़ी मैं गई हूँ, वो तो मैं भी मानती हूँ, आज मैं सरेआम पकड़ी गई हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं आज आई हूँ बेसिकली 2 टॉपिक के बारे में बात करने। छूट गई थी मेरे से, Q&A वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर पाई। हाँ तो कुछ 4-5 लोग बोल रहे थे कि गरीबी के ऊपर अगर आप कुछ बोल सके, क्योंकि आप इतने गरीब है फिर भी आपको शर्म नहीं आती है, आप वीडियो में बोलती रहती हैं, यू नो घर को दिखाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, लाइक गरीबी, आपको कैसा लगता है गरीबी में जीना। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, मेरी तरह जो भी गरीब है, जो लोग बहुत गरीब है, सी मैं कभी कभी क्या होता है ना, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, इंस्टाग्राम खोलते ही मैं देखती हूँ कि यू नो लोग गोवा जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सबके पास आईफोन है, ये है वो है, क्लब में जा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, और मैं गोदाम इस गोदाम में अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहूंगी कि देखो भाई, अमीरी ने मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया है, क्योंकि कभी मिले ही नहीं अमीर। सो दिस इज द फैक्ट दैट गरीब होना पाप नहीं है दोस्तों, कुछ पाप नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया है गरीब होकर। गरीबी में जो सुकून है, मेरे माँ बाप एक नंबर के ठीक, लेकिन फिर भी वो मेरे माँ बाप है। उन लोगों ने मुझे एथिक्स सिखाए हैं, उन लोगों ने मुझे क्या सिखाया, कुछ भी नहीं सिखा सिखाया, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सिखाया है, भूल गई अभी तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कुछ सिखाया है मेरे माँ बाप ने। मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझे पैसों पे बर्बाद नहीं होने दिया है, कभी दिया ही नहीं है, कैसे बर्बाद होगी तू। कभी भी मुझे पैसे नहीं दिए हैं, बर्बाद नहीं किया है मुझे पैसों से। पैसे मांगती हूँ तो धमकी देते हैं, और जितना पैसा कमाते हैं दोनों सब गुदरस के अंदर घुसा देते हैं। एक दिन मैं क्या करूंगी, सारे लेके भाग जाऊंगी भाई, 2 बजे रात के सो रहे होंगे ये दोनों, मैं भाग जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि दे ही नहीं रहे हैं। अगर ये लोग पैसे नहीं दे पा रहे मेरे को, अभी मुझे कुछ अलग रास्ता ढूंढनी पड़े। ये भगवान, ये वीडियो मेरे बाप तक मत पहुंचाना, मुझे आप तक पहुंचा देगा। ये लोगों ने पैदा किया है मुझे, जानबूझ के पैदा कर दिया इन लोगों ने मुझे, पता नहीं क्यों। एंड मैं मांगती हूँ पैसे, मैं मांगती हूँ, चप्पल मार के भगा देते। ये थोड़ी, ये तो गलत बात है ना, जूता काय को मारते हो तुम लोग, नहीं दे पा रहे हो तो बोलो मुझे नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं छीन लूंगी ना, किसी दिन गोदाम तोड़ दूंगी, तोड़ के निकल जाऊंगी। इनको पता नहीं है क्या माल पैदा किया है इन दोनों ने मिलके, गोदाम तोड़ दूंगी, तोड़ के निकल जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी। और एक बात मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरे रिजल्ट्स आने वाले हैं बहुत जल्द, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स मेरे। मैं लिटरली मैं गाने लिख के आई थी, यानी मतलब कैसे लिखती, मैंने क्या किया था, जितने क्वेश्चंस थे उसके तो मैंने आंसर, पहले जो होते ना फर्स्ट लाइन्स आंसर के 4-5 लाइन, जो पहले की लाइन वो मैं अच्छे से लिख के आई, फिर बीच में मैंने गाना लिख दिया, गाना लिख के फिर लास्ट के 4-5 लाइन मैंने ठीक से लिख दिए हैं अच्छे से, ताकि एग्जामिनी जो है ना वो उसको पता ना चले भाई कि इसने लिखा क्या है। क्योंकि मैंने सुना है जो एग्जामिनर्स होते हैं ना वो ऊपर से बस चेक करते हैं, नीचे से चेक करते हैं, अगर बीच से चेक किया उसने, बस बीच से ना चेक करे। मैं रोज भगवान को यही बात बोलती हूँ, भगवान मेरे आंसर्स कोई बीच से ना चेक करे, मेरी फट जाएगी भाई, मेरी फट जाएगी, मैं फेल करूंगी फिर से। तो हाँ ऊपर से चेक करे तो मैं पास कर पाऊंगी, अगर बीच से चेक करे तो फिर तो मैं गई, और अगर मैं गई
तो मेरे माँ बाप को तो मैंने बोल के रखा कि मैंने फाड़ दी है एग्जाम, मैंने बहुत अच्छे तरीके से दी है, यू नो ब्ला ब्ला एंड ऑल मैंने बोल दिया है अपने मम्मी पापा को एग्जाम्स के बाद। तो रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब मेरे को डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं फेल करी, अगर मैं पकड़ी गई, मेरे माँ बाप तो सदमे में चले जाएंगे, वो क्या पता कोमे में चले जाए। नहीं, वो अलग बात है, अगर हम गए भी तो इनकी जो संपत्ति वगैरह है वो नहीं जाएंगे, वो अच्छे अच्छे ही रहेंगे। अगर फेल भी करूंगी ये नहीं जाएंगे कोमे में। और मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ तुम लोगों को, जस्ट लुक एट दिस गाइस, ये देखो ये जो है ना, ये पिंपल यहाँ पे, पिंपल ये सब पूरा इधर में, पिंपल ये सब देखो, लुक एट दिस, ये इधर में, फिर इधर ऊपर था कल। बताती हूँ मैं कैसे हुई, सब मेरी वजह से हुई। एक महीने पहले मैंने फेस के लिए एक सीरम खरीदी थी, जस्ट लुक एट दिस दिस, ये खरीदी थी मैंने ऑनलाइन, ठीक है ना, कुछ कुछ तो मुझे दिखा था सीरम मीरम करके कुछ, तो मैंने खरीदी, खरीद के मैंने क्या किया, आ गया और मैंने इसको एक महीने तक अपने फेस पे अप्लाई किया, लिटरली दिन में 3 बार, एक दिन में तीन तीन बार मैं अप्लाई करती थी अपने फेस पे, बट घंटा ही कुछ इफेक्ट पड़ता था मेरे फेस पे। तो फिर मैं सोचने लगी ये क्या है, क्या कैसा सीरम है, कुछ कुछ काम नहीं कर रहा है ये। तो फिर मैंने 2-3 दिन पहले, मेरा ना जो स्किन है, मेरी जो स्किन है ना, वो थोड़ी सी मतलब इचिंग हो रही थी, उसमें ड्राई ड्राई फील कर रही थी, फिर ये सब उगने लग गए, फिर मतलब कुछ मतलब अजीब सा लगने लगा फेस पे हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, पहले तो मेरे साथ नहीं होता था। फिर मैंने एक बार सोचा कि एक काम करती हूँ, सीरम वो जो अप्लाई करती थी ना, शायद उसकी वजह से हुआ हो, मुझे सूट नहीं करता हो स्किन पे। तो फिर मैं चेक करने लगी सीरम को, बेसिकली वो जो सीरम समझ के मैं यूज करती थी वो लॉन्डे अपने टेस्टिकल में स्प्रे करते हैं नहाने के बाद, बेसिकली ये टेस्टिकल्स की फ्रेग्रेंस है, ये अंडों को फ्रेश रखता है लड़कों के, और मैं इसको 3 महीने से सीरम समझ के अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूं, दिन में तीन तीन बार, तीन तीन बार, और मुझे पता भी नहीं मैं क्या यूज कर रही हूं। इसलिए इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। मेरी इंग्लिश ने मेरी ले ली, ले ली। मैं मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, जो होते हैं ना फेस के स्किन के डॉक्टर, उनके पास जानी पड़ेगी, और जाके मैं क्या बोलूंगी उसको, मैं क्या बोलूंगी उसको, लड़के जो अंडों पे लगाते हैं अपने फ्रेग्रेंस, उसका मैं सीरम समझ के अपने थोबड़े पे लगा रही थी 3 महीने, दिन में तीन तीन बार, ये बोलने के बाद वो तो मुझे जूता उठा के मारेगी। सो दिस वाज द वीडियो, कैसी लगी वीडियो बताना, कमेंट में जाके बताना कैसी लगी वीडियो। अब से तो 3 दिन बाद आनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं पकड़ी गई हूं। ओके आती हूं 3 दिन बाद, पक्का आऊंगी, आना ही पड़ेगा अब तो, पकड़ी गई हूं, बाय।